इधर चुनावी साल में निशा बांगरे की कहानी में नया मोड़ आ गया है। उनके मामले में जबलपुर हाई कोर्ट ने इस्तीफे और चार्जशीट पर निर्णय लेने के राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। तो किसे का निर्देश दिया है, आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। निशा बांगरे की कहानी किस तरह से अलग बन रही है। कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफे के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट में दायर याचिका और सरकार की अपील पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सरकार को निशा बांगरे के इस्तीफे और चार्जशीट पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं और मामले में अगली सुनवाई अगले सप्ताह तय कर दी है। ऐसे में अब इस मामले में कांग्रेस नेता और निशा के अधिवक्ता विवेक तनखा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अगर विचार नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि स्टेट पक्षपात कर रही है, स्टेट बीजेपी के तरफ से उसको रोकने की कोशिश कर रही है जिससे वो चुनाव नहीं लड़ पाए, और ये आज के दिन को क्या कर रहा है। तो मैं इसका पूरा आरोप विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ सेक्रेटरी पर डालूंगा, क्योंकि वही हेड ऑफ द स्टेट है, और अगर ये सब हो रहा होगा तो उनके डायरेक्शंस पे हो रहा होगा। निशा बांगरे बैतूल में डिप्टी कलेक्टर पद पर पदस्थ थी। उन्होंने पिछले दिनों सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। मामला हाई कोर्ट में है, साथ ही चर्चा है कि निशा बांगरे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसलिए सरकारी नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अंशुल गौतम, -24/7 भोपाल।